इतना फैंसी फैंसी नंबर कर रहा हूँ, मैं गेस करूँ फैंसी नंबर क्या है? आप गेस कर लो, कर लिया तो गाड़ी आपकी। अच्छा ट्रिपल तो रोटी कपड़ा और मकान के बाद वक्त आता है लग्जरी का। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी इन कार्स, तो लग्जरी राइड की जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मानी जाती हैं। तो इसीलिए आज हम लोग आ गए हैं लग्जरी राइड के शोरूम पर और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उसी के साथ साथ कैसे लग्जरी राइड की गाड़ियाँ या फिर उनके जो सर्विसेज हैं वो दूसरे और बाकी लोगों से अलग हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कार्स यहाँ पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद मी दैट इज़ सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। कोरोना के बाद अभी ओमनिक्रोन आ गया है। अब ओमनिक्रोन के आते आते लोगों को सेफर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आप गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करो तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है वो है हमारी वोल्वो की XC90। लेकिन उससे पहले हम लोग जाकर के मिलेंगे आज के हमारे को होस्ट मिस्टर साहिल नागपाल से। साहिल भाई कैसे हैं आप? ऑल वेल, बहुत ही बढ़िया यार, लग्जरी राइड। थैंक यू सो मच, आपने तो बहुत ही बढ़िया ऐसे एनर्जेटिक ऐसे वेलकम करा, ऐसे मुझे हर जगह मिलता नहीं, ऐसे मैं लोगों को जगाना पड़ता है, उठ जाओ भाई थोड़ा सा क्या सीन है। तो साहिल भाई कैसे हैं आप? ऑल वेल, ऑल वेल, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। काम कैसा चल रहा है, ये ओमनिक्रोन वाला सीन कैसे चल रहा है? वेल, थोड़ा सा इफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस ओमिक्रॉन की वजह से हुआ है, बट वी आर होपिंग एंड वी आर बिलीविंग दिस विल बी जस्ट अ पासिंग वेव, इट विल बी ओके, जस्ट 10-15 डेज। इतना ज़्यादा सीरियस है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब जैसे कोरोना वायरस था उतना ज़्यादा सिवियर वायरस ये ओमिक्रॉन नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको रोडों पे सेफ रहना है तो साहिल भाई उसके लिए हमारे पास खड़ी है कौन सी गाड़ी? वॉल्वो XC90 मोमेंटम। वॉल्वो XC90 मोमेंटम विच इज द सेफेस्ट कार ऑन प्लैनेट। तो साहिल भाई सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। 100% ठीक है, चलो आप बताओ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट XC90? वॉल्वो इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट कार्स ऑन प्लैनेट अर्थ। इससे ज़्यादा सेफेस्ट कुछ भी नहीं है। मर्सिडीज इज द सेकेंड थिंग। एंड अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, सो SUV इज़ द डिमांड ऑफ द इंडियन मार्केट एंड दिस इज योर परफेक्ट SUV। दिस इज XC90 मोमेंटम। ओके, को XC90 मोमेंटम। XC90 में हमारे कितने वेरिएंट्स आते हैं? इसके ऊपर एक मॉडल आता है, जो वेरिएंट आता है अपना इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन उसमें क्या चेंजेस होते हैं इससे? जस्ट ग्रिल चेंजेस एंड लाइट्स चेंजेस है, नॉट टू मच डिफरेंस। ओके, सो कैन यू जस्ट क्विकली वॉक मी वॉक अस थ्रू द कार? Well, this is 43,000 kilometer driven car. Okay. This is first owner vehicle. Okay. And ये गाड़ी UP registration है. UP 32 लखनऊ का registration है इस गाड़ी का. हाँ जी. And fancy number के साथ है. Number नहीं बताऊँगा मैं. ठीक है. Number 786 तो नहीं है कहीं number? नहीं वो नहीं बताएंगे. ठीक है. Volvo XC90 में apart from safety, what are the luxury features that we got in this car? It has everything. You name it and it has everything in it. Okay. Just open it. It has a very good cockpit. You can see the beautiful console. It's kind of a digital virtual cockpit. बस टेक ऑफ करना है साहिब भाई आपको? नहीं, बस टेक ऑफ तो करना है मुझे, लेकिन एक बार हल्का सा ऐसे मैं देख रहा हूँ क्योंकि XC90 में दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इनसाइड दिस कार और ऐसे गाड़ी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ऐसे कभी भी आप ऐसे SUVs में जाते हो ना तो आपको जो स्टेयरिंग होता है वो इतना ज्यादा आपको समझ रहे फील नहीं देता, जैसे मेरे को BMW का स्टेयरिंग काफी ज्यादा बढ़िया फील देता है, तो उसी हिसाब से वॉल्वो का स्टेयरिंग जो है वो काफी ज्यादा ऐसे शॉर्ट है, समझ रहे हो, ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट सा स्टेयरिंग है, बट आपका जो कॉकपिट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यही है। और वोल्वो का एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन ये है कि एक्चुअली जैसे आपको पता है कि BMW की जो गाड़ियाँ होती हैं वो शीयर परफॉर्मेंस कार होती हैं, तो वोल्वो जो है बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच कंपटीशन देता है BMW को और इनफैक्ट सेफ्टी वाइज कभी कभी ऊपर भी निकल जाता है, जैसे कि ये कार हो गई। इट इज एक्चुअली ये ऊपर ही है एग्जैक्टली। अब वैसे अगर आप X6 या फिर X7 की बात करोगे तो उसके कंपैरिजन में दिस इज अ सेफर कार, दिस इज अ सेफर है ना, और उसी के साथ साथ आपकी बजट में भी थोड़ा सा चली आती है गाड़ी, है ना। तो अब इसकी फाइनली हम लोग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ और अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, डिटेल इसकी यही है, फर्स्ट ऑनर व्हीकल है ये, 43,500 किलोमीटर्स ड्रिवन है एंड एज आई हैव जस्ट सेड यू दैट ये गाड़ी UP रजिस्ट्रेशन है और हम आपको ये गाड़ी देते हैं 57 लाख की। 57 लाख रुपीज़, और 57 लाख रुपीज़ में कुछ नेगोशिएशन है कुछ भी? वेल, अवर प्राइजेज आर बुलेट प्राइजेज। हमारे प्रोडक्ट में जो हम आपको बता दें कि अवर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ लग्जरी राइड में, हमारी गाड़ियाँ हमने खरीदी हुई हैं और हम इन सारे प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं 150+ पैरामीटर्स पे। वी हैव परचेज डिपार्टमेंट दैट इज़ वर्किंग थ्रू आउट इंडिया। वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑडी, BMW, मर्क,
सारे हमारे परचेज टीम में हैं, दोज पीपल हु हैव सर्व्ड दीज बिग ब्रांड्स फॉर ओवर 10-15 इयर्स, वो अपना तो वो लोग हैं उन चीज़ों, वो लोग सारी सर्टिफाई करते हैं गाड़ी को। हाँ, हमारी किसी भी गाड़ी को आप ब्रांड से भी चेक करवा सकते हैं, 360 डिग्री चेकअप। अब अगर मेरे को कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड दोस पीपल। हिंदी साहिल भाई, आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी। तो ये है हमारी अगली गाड़ी विच इज ऑडी Q3 क्वात्रो, दैट इज ऑल व्हील ड्राइव। Q3 क्वात्रो विच इज एन ऑल व्हील ड्राइव। अब आप मेरे को ये बताओ, how is this car special and how is this car unique from other SUVs? Well, this car का इसका जो unique feature है वो quattro है, that is all wheel drive. हर sub compact SUV आपको all wheel drive नहीं देती है, ये आपको देती है। It has panoramic sunroof, beige interiors हैं, ground clearance की बात करूँ 170 mm ground clearance है, boot space 513 liters. Yes, it has 513 liter का आपको boot space भी गाड़ी में मिला जा रहा है, ठीक है, और काफी ज्यादा हाँ बढ़िया स्पेस है आपकी 530 लीटर बूट स्पेस, मतलब ऑडी है, मतलब चार छल्ले भी मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तो लोग चार छल्लों की वजह से ऑडी ज्यादा लेते हैं क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टाइल स्टेटमेंट पे चला जाता है हल्का सा, तो आपको ठीक ठाक ऐसे स्पेस भी मिला जा रहा है। उसके बाद में इसकी जो कंडीशन है, चश्मा उतार के देखता हूँ, बिल्कुल सही सी लग रही है मुझे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे चमका करके इन जनरल रखी ही जाती हैं। चमकाते नहीं है, हमारी गाड़ियाँ है ही ऐसी। अच्छा, है ही ऐसी, है ही ऐसी। इतना ज़्यादा सीरियस, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अगर आप इसके इंटीरियर देखो तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, उसकी सीटिंग कितनी चली, कंसोल बहुत अच्छा है। ये गाड़ी चली है सिर्फ 53,000 किलोमीटर, 53,000 किलोमीटर। सैफायर ब्लैक कलर है, जस्ट लाइक योर ग्लासेस कलर। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सेम कलर है इस गाड़ी का। थैंक यू। तो अब आप ये बताइए मुझे कि ये जो गाड़ी है इसकी हमारी क्या डिटेल्स हैं और क्या प्राइसिंग है? ये गाड़ी HR रजिस्ट्रेशन है और ये गाड़ी सेकेंड ऑनर है, ये चली हुई है 53,000 और इसकी हमारी आस्किंग है 21.5 लाख रुपये। 21.5 लाख नई गाड़ी कितने की आती है? ये 47 लाख रुपए की, 47 21.5 लाख रुपए। क्वात्रो वेरियंट है, क्वात्रो वेरियंट है। आपको चाहिए ऑल व्हील ड्राइव का एक्सपीरियंस लेना है SUV में तो दिस इज योर कार। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो, अगर आप लोग अपने सेडान से थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो या फिर अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में थोड़ा सा और लग्जरी भरना चाहते हो, देन आई थिंक दिस इज द कार फॉर यू। तो ये हमारा हो गया पहला आपका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का ऑप्शन। अगर आपको चार छल्ले नहीं चाहिए और अगर आपको कुछ ट्राई शेप में चाहिए तो उसके लिए भी, ट्राई शेप मतलब मर्सिडीज में चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ऑप्शन करा है, एंड द नेम इज GLA 200D Sports, ठीक है। तो उसमें आपको दुनिया भर की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी लग्जरी मिल जाती है और मर्सिडीज की गाड़ियाँ जल्दी जल्दी पलटती नहीं है। ये SUVs इनफैक्ट जैसे आप देख लोगे, अगर आप कभी भी हाईवे पर चला रहे हो, कुछ अगर गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, ठीक है। तो ML और GL का, ये दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा फेमस गाड़ियाँ थी कि ये गाड़ियाँ जो है पलटती नहीं है जल्दी जल्दी। और प्री ओन्ड के अंदर थ्रू आउट, अगर आपको मैं वर्ल्ड के अंदर बताऊँ कि थ्रू आउट वर्ल्ड अगर कस्टमर्स का रिव्यूज, अगर प्री ओन्ड में सबसे ज़्यादा किसी गाड़ी पे ट्रस्ट बनता है तो वो मर्सिडीज पे बनता है। मर्सिडीज पे ही बनता है, मर्सिडीज की बहुत अलग ऑडियंस है भाई, ठीक है। बेच बेच के सिर्फ मर्सिडीज ही लेते रहते हैं क्योंकि पता नहीं हल्का सा मतलब मिल जाती है कोई चीज़ उनको मर्सिडीज। और यूनिक चीज़ जो है मर्सिडीज यूज़ करती है अपनी गाड़ियों में, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रहता है, दैट कीप्स द इंजन स्पीड को जितना लो रखने की कोशिश करता है एट एवरी पॉसिबल स्पीड, जिससे कि आपकी फ्यूल की बचत हो, फ्यूल कंजप्शन कम हो। कंजप्शन तो इसका एवरेज कितना रहता है हमारा? इसका अराउंड 13.5-14 के आसपास इसका, 13-14 का इसका भी हमारा एवरेज बहुत अच्छा है। इसके अंदर कितने लीटर का इंजन है हमारा? 2 लीटर इंजन है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारा पावर फिगर्स है वो उस हिसाब से मतलब GLA जैसे मर्सिडीज का क्या सीना बताते हैं कि इंजन पावर को बहुत ज्यादा कम रखता है, जिसपे आपका इंजन जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लाइफ होता है, वो भी बढ़ जाता है इंजन का। और उसी के साथ क्योंकि ऐसे खींच खींच के बहुत ज्यादा चलाओगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है, ठीक है, परफॉर्मेंस निखर के आती रहती है। एग्जैक्टली। तो अब इसका इंटीरियर अगर हल्का सा देखें हम, तो इंटीरियर में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? इंटीरियर में वही मर्सिडीज का बेंचमार्क आपको बढ़िया कंसोल मिलने वाला है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाइज, इलेक्ट्रॉनिक बताओ मेरे को, जैसे ऑटोमेटिक है हमारी, इसके में मोड्स वगैरह कितने मिल रहे हैं? क्या मोड, इसमें भी 4 मोड्स मिलेंगे आपको, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मॉडल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये डिजिटल और एनालॉग दोनों हो जाता है, ठीक है। तो मर्सिडीज जो है अपनी पुरानी जो ऐसे रेट्रो स्टाइल की डिजाइनिंग है उसको कंटिन्यू करता है। स्टेयरिंग के मामले में मुझे थोड़ी सी कमी लगी, हल्की सी कमी लगी, मतलब और लग्जरी होना चाहिए था इसका स्टेयरिंग, बट बाकी हिसाब से मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी मिला जा रहा है, बाकी आपको स्पेस भी ठीक ठाक मिला जा रहा है यहाँ पर। इन शॉर्ट, अगर आपको ये SUV लेनी है तो उसकी हमारी प्रॉपर प्राइसिंग डिटेल्स क्या है?
ये गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, ड्रिवन की अगर हम बात करें तो 45,000 ड्रिवन है और फैंसी नंबर है इस गाड़ी के साथ। कितना फैंसी नंबर कर रहा हूँ मैं, गेस करूँ फैंसी नंबर क्या है? आप गेस कर लो, और अगर मैंने सही गेस कर लिया तो बताइए। मैंने कर लिया तो क्या कर लिया, तो गाड़ी आपकी। अच्छा 0005 ये फंस गया। नहीं नहीं फैंसी नंबर साथ में नहीं है। अब बताओ फैंसी नंबर साथ में नहीं है। अब बताओ, यू गॉट इट राइट। दिस इज गाड़ी ऑन स्क्रीन, इन्होंने बताया है कि गाड़ी आपकी हो गई। देखो मैंने जस्ट कर तो गाड़ी दे दी आपको, मैंने चाबी आपको दे देता हूं। नहीं चाबी आप बढ़िया से अपने पास रखे रहो। तो फाइनली इसके पैसे बताते हैं हम लोग, क्या सीन है? इसके पैसे आपको लगेंगे 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए। नई गाड़ी कितने की है अपनी? ये आ रही है 49 लाख की। इसी गाड़ी में मेरे पास एक और भी अवेलेबल है, GLA एक और इन अदर शोरूम, वो गाड़ी आपको हम एक्टिविटी एडिशन है, वो 48,000 चली है। अब अगर हम लोग इतने सारे शोरूम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली लग्जरी राइड पे काफी ज्यादा गाड़ियां रहती हैं, उनके काफी सारे शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया भी हैं, ठीक है? और अगर आपकी गाड़ी की आपको बात बता देता हूँ कि अदर शोरूम, हमारा मेन हेडक्वार्टर शोरूम जो है वो करनाल में है। वी हैव अ शोरूम जयपुर, चंडीगढ़ एंड देहरादून एज वेल, एंड वेरी सून वी आर ओपनिंग इन लुधियाना। बहुत जल्दी हम लुधियाना में खोल रहे हैं और उसके आगे भी बहुत बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब खुलता रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट लग्जरी राइड को कि ऐसे वो शोरूम्स पे शोरूम्स खोलते रहे। तो फिर अब हम लोग यहाँ से भी मूव ऑन करते हैं। गाड़ी की प्राइसिंग 28 लाख रुपए की है, तो हमने आपको सब कॉम्पैक्ट SUV के भी ऑप्शन दिखा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं सेडान में, ठीक है? अब सेडान में मर्सिडीज के पास हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन खड़े हुए हैं CLA के, है ना? दोनों CLA, तो हम लोग यहाँ पे इसके बीच में खड़े होते हैं, पीछे अपना भरत भाई बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे आप बताइए कि दोनों की क्या डिटेल, पहले हल्का सा CLA के बारे में लोगों को बताइए कि हाउ, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस सेडान? CLA इज लाइक अ एंट्री लेवल सेडान है, ये आपकी मर्क में जाते हैं तो एंट्री लेवल व्हीकल माना जाता है इनका। ये एंट्री लेवल कब लॉन्च हुई थी CLA? CLA लॉन्च हुई है, वैसे तो लॉन्च हुई है ईयर 99 के आसपास, तो उसके बाद से इनके जनरेशन चेंज होते गए हैं। नहीं, ये वाली जनरेशन कब आई? ये वाली जनरेशन आई है 2013 में। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले बड़ा अट्रैक्टिव कलर है आपको मिलता है जुपिटर रेड कलर। जुपिटर रेड 2015 मॉडल CLA है ये। 15,600 किलोमीटर, तो ये तो नई जैसी गाड़ी रखी है। बिल्कुल नई जैसी, बेस्ट इन द मार्केट, ठीक है? और गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है। अरे यार, तो सही में बढ़िया, चश्मा लगा के ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ जी, फ्रेमलेस डोर्स के साथ आपकी आती है गाड़ी का इंटीरियर, ठीक है? आपका GLA से मेरे को अच्छा लगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे आपका ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको बढ़िया से मिला जा रहा है, स्टाइलिश इंटीरियर है। और इसका स्टेयरिंग कंपैरेटिवली उससे बेटर है, उससे बेटर स्टेयरिंग है। उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी हल्का सा आपको स्पोर्टी फील दे रहा है। हालांकि ये ऐसे टोटल आपकी स्पोर्ट्स कार नहीं है, बट ऐसे सेडान में आपको काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन मिला जा रहा है। उसके बाद में वैसे ही आपको स्क्रीन मिलती है, वैसे ही आपको एक ऐसे बड़ा सा ऐसे यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। उसके बाद में सीमलेस डोर आपको मिल जाते हैं। अगर हम एक थोड़ी सी, मेरे को हमेशा दिक्कत लगती थी कि ऐसे CLA जैसे आप इसको देख रहे हो तो हल्का सा कूपे शेप में आ जाती है, ठीक है? तो रियर सीट पे अगर हम लोग दोनों लोग बैठे, साहिल भाई आ जाइए, अगर आप 5-10 हो तो उसके बाद में भी आपको जो है ठीक ठाक लेग स्पेस मिला जा रहा है। वेरी गुड, कम्फर्टेबल। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे तीन लोग बहुत ज्यादा आराम से बैठ जाएंगे पीछे, बट दो लोग मतलब चार लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी हो जाती है। यहाँ पे कोई बच्चा आराम से बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि अब आप देखो हल्का सा ऐसे हेड स्पेस हो रहा, तो अगर आपकी हाइट ऐसे 6'1" से ऊपर निकल जाती है ना, देन दिस इज नॉट द, मतलब आप पीछे नहीं बैठ सकते, फिर आप आगे बैठ करके ही गाड़ी चला सकते हो। तो एक ये हल्का सा पॉइंट था जो कि ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, तो मतलब नई जैसी गाड़ी ही रखी हुई है। स्क्रैचलेस कंडीशन में ही गाड़ी है। तो अब हम लोग जानते हैं फाइनली इसकी डिटेल्स। ये 2015 सेकेंड ऑनर 15,600 चली हुई, इसकी हमारी आस्किंग है 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए। नई गाड़ी कितने की आती है? ये नई आती है 39.80, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास। तो ये गाड़ी आपकी 23 लाख रुपए की होगी। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इस वाली गाड़ी के ऊपर। इसमें आपको हम देते हैं न्यू शेप CLA आ गई, ठीक है? ये हमें न्यू शेप मिल गई, तो इसमें हमें चेंजेस क्या मिल जाते हैं पुरानी वाली से? लाइट्स के चेंजेस हैं, थोड़ा सा ग्रिल में माइनर से चेंजेस हैं। एंड अंदर आपको जो है इसमें पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, ठीक है? उसमें हमें की स्टार्ट है वो गाड़ी, ठीक है? इसमें हमें पुश बटन स्टार्ट आ जाता है। अगेन डोर्स आपको वैसे ही मिल रहे हैं, डोर सेम वैसे ही आपको मिल रहे हैं। इसका इंटीरियर एक बार ऐसे बैठ करके देखते हैं क्या सीन है। तो इंटीरियर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, इसका हल्का सा हैंडल चेंज हुआ है। जैसे उसका जो हैंडल था वो इस वाले ऊपर वाले पोर्शन पे थोड़ा सा बड़ा है, बट ये ऊपर से ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट है, देख रहे हो आप, डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। तो ये सारे फीचर, मतलब मर्सिडीज इज ऑल अबाउट लग्जरी मैन, ऐसे आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है ठीक ठाक प्राइसिंग में। तो अगर हम लोग इस गाड़ी डिटेलिंग की बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो क्या है? ये गाड़ी चली है 22,000 किलोमीटर, नॉट मच, सेकंड ऑनर है,
एंड पंजाब रजिस्ट्रेशन है, इसकी हमारी आस्किंग है 27 लाख रुपए. 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए. तो 27 मतलब बहुत ऐसे डिफरेंस है नहीं. दिस इज 2017 वो 15 है, वो 15. तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई गाड़ी लेते हो तो मेरे हिसाब से आप अगर कोई CLA लेना चाह रहे हो, वैसे तो आप लोग जानोगे अपना बजट, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ओनर होने के बाद भी, क्योंकि आपको जो है मेरे हिसाब से सेकंड ओनर के होने की वजह से इसमें प्राइसिंग थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है ना, इसी वजह. तो ये आपका एक स्मार्ट ऑप्शन हो जाएगा अगर आप लोग कोई गाड़ी लेना चाहते हो, क्योंकि ऐसे आपका न्यू शेप मिला जा रहा है. ठीक है, बाकी आपके सारा डायमेंशन वगैरह सेम रहता है गाड़ी का, है ना. तो ये गाड़ी आपकी कितने की है, 27 लाख रुपीज़ की आपकी. ये भी एक और CLA यहाँ पर खड़ी हुई है, आप इसे आकर के देख सकते हैं. एक 2015 है 23 लाख रुपए की और एक 2017 है. गाड़ियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है. अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं. अब देखो ये वाली गाड़ी देखो, दूर से देखो पहले. अब ये गाड़ी आपको, इस गाड़ी और वो जो रेड वाली गाड़ी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है. तो साहिल भाई, अब हम लोग इन लोगों को बताते हैं इस गाड़ी के बारे में जिसका नाम है CLA 45 AMG. दैट इज़ अ स्पोर्ट्स कार. ये आपकी स्पोर्ट्स कार होने वाली है, पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ. ये नॉर्मल CLA से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसकी अगर हम BHP की बात करें, इसका इंजन जो पावर जनरेट करता है वो 360 BHP, और टॉर्क की बात करें तो 435 Nm. 435 Nm. कहाँ भागती है इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसको आपको बस जो है रनवे पे लेके जाना है, V1 पे सेट करना है थ्रॉटल को, एंड यू जस्ट नीड टू टेक ऑफ. ओके, तो मतलब ये काफी ज्यादा अच्छे पावर फिगर्स है. उसके बाद में अगर आप इसकी डिजाइनिंग भी देखो ना, तो इसके एरोडायनेमिक्स भी उसी तरह से बनाए हैं, उसी तरीके से बने हैं. हाँ, तो मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है. लेकिन मर्सिडीज क्योंकि अपना पहचान बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, तो इस गाड़ी के साथ भी उसने अपनी पहचान नहीं छोड़ी है. वैसे ही आपको कंफर्ट भी इस गाड़ी में मिलेगा, लेकिन कंफर्ट के साथ साथ आपको इसमें मिलेगी बहुत ही ज़्यादा रफ्तार. ठीक है, तो इसकी टॉप स्पीड क्या है मेरे को बताइए जरा एक बार इस गाड़ी की. इसकी टॉप स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको मिलती है 320 किलोमीटर. 320 किलोमीटर, जैसे आपकी नॉर्मल गाड़ियों की से CLA की आपकी 260 मिल रही थी है. 260, इसकी 320 आपको 320. उसके बाद में मेरे को आप बताइए कि ऐसे एक्सटीरियर में जो आपके AMG वाले फीचर्स है, मतलब AMG में और क्या क्या मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स का, जैसे कि इंटीरियर हो गया इसका, है ना. Yes, उसके बाद में आपका इसका स्टीयरिंग हो गया, AMG स्टीयरिंग आपको इसमें मिल जाता है. ठीक है, शिफ्टर्स रहेंगे इसके अंदर. ओके, उसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पता है कुछ कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके पावर फिगर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं दे पाती है. मैं उस गाड़ी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं इस गाड़ी के बारे में आपसे जरूर पूछूंगा. तो वैसे अब हम लोग यहाँ प्रूवन रिव्यूज़ हैं इस गाड़ी के, प्रूवन है, ये काफ़ी अच्छी फीडबैक है इसकी, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार है ये. इनिशियल पिकअप कैसा है इसका, घसीटती है गाड़ी? बड़ी ज़बरदस्त है, आपको पता भी नहीं लगेगा. 4.8 सेकंड के अंदर ये गाड़ी आपको 100 किलोमीटर टच करती है, खींच देती है. 100 खींच. और आवाज़ कैसी रहती है इसकी, तो आवाज़ सुननी बनती है. जरा इसको स्टार्ट करिए एक बार साहिल भाई, इसकी आवाज़. और रियर इसलिए मैं बैठा था कि रियर जो है कंफर्ट है रियर सीट में, लेकिन अगेन ये गाड़ी जो है ये फिर से आपकी 4 लोगों के लिए है, या फिर अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है जिसमें आपका एक छोटा बच्चा है, तब भी आपकी गाड़ी जो है ठीक ठाक चल जाएगी. वैसे तो स्पोर्ट्स कार है, तो मतलब 2 लोग चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है, 2 या 4 लोग मतलब मैक्सिमम बैठ जाए. अब जरा साहिल भाई इसको स्टार्ट करिए, हम लोग सुनते हैं AMG की आवाज़, बिकॉज बाकी सारी गाड़ियों की तो आपने आवाज़ सुनी होगी. अब आप इसकी गाड़ी की आवाज़ चेक करिए. बिल्कुल, मतलब आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेस है, गाड़ी अच्छी लग रही है. देखिए क्या सीन है हल्का सा इसका, सही है, आवाज़ तो अच्छी है. उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको बंद. अब हम लोग फाइनली जानेंगे इस गाड़ी की जो हमारी डिटेल्स हैं. ये 2018 रजिस्टर्ड है, 17,000 किलोमीटर चली है, सेकेंड ऑनर व्हीकल है. इसकी हमारी आस्किंग जो है 43 लाख रुपए, 43 लाख रुपीज़. नहीं, कितने की गाड़ी आती है ये? नहीं आती है 84 लाख की, 84 लाख रुपीज़. ये मॉडल कौन सा है? ये है 2018 मॉडल. तो इतना डेप्रिशिएट कैसे हो गया इसके प्राइसिंग? स्पोर्ट्स कार है, यूजुअली काफ़ी लोग जल्दी फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है मोस्टली आप वीकेंड्स पे चलाते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होती. इट्स एन एडेड कलेक्शन. अगर आपके पास ऑलरेडी 5-6 गाड़ियाँ हैं, एक स्पोर्ट्स गाड़ी भी चाहिए, तो ये वो गाड़ी है. अच्छा, तो ये वो गाड़ी हो जाती है. तो इसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. एवरेज कितना है इसका? इसका जो एवरेज आएगा बताएं? सच बताइए, ताकि हमारे लोगों 8 वाट के आसपास आएगी ना. हाँ, तो ये आपकी एवरीडे कार नहीं हो सकती, बट ये गेड़ी मारने वाली कार है, समझो, गेड़ी मारने वाली एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार. अगर कोई चाहिए मर्सिडीज़ में, अगर आप मर्सिडीज़ लवर हो, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आप इसे आ करके देख सकते हो. अब मैं आपको उस गाड़ी पे ले चलूंगा जो ब्रांड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. ठीक है साहिल भाई, अब पता नहीं क्यों, पता नहीं मतलब मेरे साथ क्या सीन है. थैंक यू सो मच.
वैसे आप पहले तो आपको वो गाड़ी दिखाता हूँ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं BMW की, ठीक है। तो ये हमारे सामने खड़ी हुई है BMW 320D लग्जरी लाइन। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो साहिल भाई मेरे को आप बताओ, लग्जरी लाइन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लग्जरी लाइन? वेल, इट हैज़ एवरी लग्जरी फीचर, ये नॉर्मल गाड़ी को बिल्कुल अलग कर देती है। अगर कम्फर्ट लेवल की बात करें, इसके अंदर स्टेबिलिटी इतनी है गाड़ी के अंदर कि यू वॉन्ट फील कि गाड़ी चल भी रही है नहीं, पता भी नहीं लगता। तो स्टेबिलिटी वाइज इसमें अल्टीमेट कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे BMW इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है। BMW की जो कार्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस बेस्ड कार है, ठीक है। और ये गाड़ी जब आप मतलब अलग ही ऐसे आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है BMW, जब आप उसके स्टेयरिंग पर बैठते हो। और ये चीज़ जो है, ये बात जो है, ये और कोई नहीं बता सकता, ये खाली आपके ड्राइवर और आपके जो मशीन है उसके बीच का कनेक्शन होता है। और इसीलिए मुझे BMW बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने बाकी गाड़ियाँ भी चलाई हुई हैं, लेकिन अगर आप मेरे से कहोगे दैट इफ़ आई वुड हैव टू चूज लेट्स से अ मस्टैंग एंड अ BMW, आई विल गो फॉर अ BMW। ये उस तरीके की गाड़ी है, अगर आप एक मिड साइज ब्रैकेट के अंदर एक अच्छी सेडान गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं जो लग्जरी सेडान हो, सो दिस इज योर कार। परफॉर्मेंस बेस्ड सेडान हो, मतलब भागती है भाई ये गाड़ी, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा सा ट्यून अप करवा लो ना, तो मतलब इसको भी हरा सकती है गाड़ी। नेक्स्ट लेवल सेडान है ये, मेरा भरोसा है ये, और ये हरा देगी भी ये गाड़ी, ठीक है। तो हम लोग फाइनली जो है हल्का सा इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं, कंडीशन कैसी है। काफी ज्यादा बढ़िया, ऐसे सिंपल आपका इंटीरियर है, खूबसूरत इंटीरियर का कलर बहुत अच्छा है, साहिल भाई, क्रोमिक ब्राउन, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमें जो है पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। अब देखो भाई, मैं इसके पीछे बैठा और मैं मर्सिडीज में बैठा था पीछे, मेरे को कितना ज्यादा स्पेस लग रहा है इस गाड़ी में, ठीक है। तो अगर आप इसकी, अगर आप लंबे हो, ठीक है, तो अगर आपको CLA नहीं लेनी है, तो मेरे हिसाब से आप इस वाली गाड़ी पर आकर के देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रियर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं कि क्या सीन है इसका। ये गाड़ी 2018 रजिस्ट्रेशन है, 57,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर व्हीकल है इसकी। हम आस्किंग करते हैं 28 लाख रुपए। और नई गाड़ी कितने की है साहिल भाई? ये नहीं आ रही है, 54 लाख रुपए के आसपास, 54 लाख रुपए की, ठीक है। और हल्का सा यहाँ पर एक मुझे बस छोटी सी चीज दिख रही है यहाँ पर इसके फ्रंट बोनेट पे, दिस इज जस्ट वेरी रॉ प्रोडक्ट, अभी रिसेंटली। अच्छा, अभी इसको अभी सही होना है, ठीक है। yes. तो अभी इसको मेंटेन थोड़ा सा करा जाएगा, तो बिना मतलब ये रॉ कंडीशन है जैसी आप सामने गाड़ी देख रहे हो अभी, इसके ऊपर मेरे हिसाब से रॉ कंडीशन में गाड़ी काफी ज्यादा परफेक्ट है। थोड़ी सी पॉलिश होगी, हल्का सा कटर लगेगा, जजमेंट गाड़ी की रॉ कंडीशन देखने पे ही। एग्जैक्टली, 28 लाख रुपए की बीमर आपको मिल रही है, आप लोग आकर के यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि हमारी हर गाड़ी पे लग्जरी राइड से आप गाड़ी लेते हैं, लग्जरी राइड से क्यों लें, कुछ ऑफर ऑफर एग्जैक्टली वो तो बताइए। हर गाड़ी पे 6 महीने का इंजन एंड गेयरबॉक्स का वारंटी मिलता है आपको हमारी साइड से, प्लस आपको 15 दिन या 200 किलोमीटर का मनी बैक गारंटी मिलता है। मनी बैक गारंटी आप कोई भी गाड़ी हमसे लेते हो, 15 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो, कलर इशू है, या जल्दबाजी में कोई और प्रोडक्ट ले लिया, आपका सारा अमाउंट वापस हो जाएगा। सब मतलब कुछ डिप्रिशिएट करके वापस हो गया। वेल, अगर आपको सेम अमाउंट अगर आप कोई और गाड़ी हमसे ले रहे हैं तो दैट कैन बी एडजस्टेड इन दैट, अदरवाइज आपको अमाउंट आपका वापस चाहिए तो देयर विल बी अ 3% डिडक्शन, 3% की कटौती रहेगी और आपका सारा 200 किलोमीटर और 15 दिन जी, दैट इज पहले हो जाता है, रिटन इन आवर पॉलिसी, ये चीज रहेगी हमारी पॉलिसी में। प्लस हम आपको बाय बैक एश्योरेंस और देते हैं। सबसे मुश्किल काम यही रहता है कि आपको प्री ओन गाड़ी मिल जाती है, लेकिन बाय बैक एश्योरेंस कौन देता है? बायबैक एश्योरेंस वही डीलर आपको दे सकता है जिसको पता है कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है। okay. तो हम आपको गाड़ी के साथ बायबैक एश्योरेंस, आपको पता है कि मतलब आपको पता है कि 150 पॉइंट पे हमें चेक करना है तो हमें फिर से गाड़ी जो अच्छी हो ही जानी है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो गई। अब ऑडी का भी एक ऑप्शन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, अगर आपको सेडान देखना चाह रहे हो तो। अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, ये अगेन एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी गाड़ी है। दिस इज अगेन ऑडी A6 प्रीमियम, प्रीमियम प्लस है ये ऑडी A6 प्रीमियम प्लस, ये हमारा सबसे टॉप वेरिएंट होता है, सबसे टॉप वेरिएंट होता है। और एडी ऑडी A6 एक वेरिएंट और इसमें ऊपर आता है, बाद में आना शुरू हुआ, वो टेक्नोलॉजी वेरिएंट, टेक्नोलॉजी वेरिएंट। तो ये जो हमारी गाड़ी है ये 2013 मॉडल है, डकोटा ग्रे कलर है इस गाड़ी का, ग्रे कलर है, दिल्ली नंबर है, 63,000 चली हुई है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा कम बजट के अंदर जाके एक लग्जरी सेडान गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो वो ये गाड़ी है। ये उन लोगों के लिए गाड़ी है जो कि हमें दिल्ली से नहीं देख रहे हैं, जबकि दिल्ली के अलावा पूरी शहर से देख रहे हैं, सारे शहरों से, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जो सीन है ये आपका 10 साल जो है एक्सपायर हो जाती है गाड़ी, 10 साल का रिस्ट्रिक्शन है। एक्चुअली एक्सपायर एक सही शब्द नहीं रहेगा यार, बहुत गलत करा है वैसे। गाड़ियां जो है हर गाड़ी 15 साल के लिए वैलिड होती है RC पे, आप गवर्नमेंट को जो रोड टैक्स पे करते हो 15 साल का पे करते हो,
हर गाड़ी 15 साल के लिए वैलिड होगी आरसी पे, लेकिन 10 साल के बाद 40-50 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली एनसीआर में उस पर रिस्ट्रिक्शन रहता है। बाहर के लिए मार्केट वाइड ओपन है, आप बाहर चलाएंगे गाड़ी कोई नहीं रोकने वाला। आप इसको यूपी वाले, राजस्थान वाले, बिहार वाले, तो ये जो है उन लोगों के लिए गाड़ी है, तो हमारे जितने भी लोग वहां से देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फीजिबल ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इसकी प्राइसिंग भी कम होगी यहाँ के 10 साल के रूल की वजह से, है ना। 2013 वेरिएंट है, यानी कि 2023 तक के आपकी यहाँ दिल्ली में वैलिड है, आप आराम से चला सकते हो। तो अगर आपको 1-8 साल के लिए कोई गाड़ी लेनी है डीजल ऑडी कम बजट में लग्जरी लाइन, तो मेरे हिसाब से उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 150 चेक के बाद गाड़ी आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रख सकते हो आराम से, मतलब किसी दूसरे स्टेट में बहुत इजीली रख सकते हो। गाड़ी देते हैं हम आपको सिर्फ 16.5 लाख रुपए में। साढ़े सोलह लाख रुपए तो मतलब बढ़िया प्राइसिंग हो गई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं इस गाड़ी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वाउच करूंगा। वैसे तो आप अपने हिसाब से आकर के सारी चीजें चेक करवा करके लेके जाना, कोई भी ब्लेम मेरे ऊपर नहीं हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए, अपने हिसाब से देखना। बट मैं कहूंगा कि एक बढ़िया ऑप्शन है जो आपको कम पैसे में सारी चीजें ऐशो आराम जो है प्रोवाइड कर देगा। तो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं 4 छल्ले, तो लग्जरी राइड पर खड़े हुए हैं 4 छल्ला, और इस 4 छल्ले को अपना छल्ला बनाने के लिए आपको 16.5 लाख रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। तो ये हो गया मेरे हिसाब से आज का हमारा वीडियो, अब हम इससे ज्यादा और एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। साहिल भाई मैं गया हूँ थक, ठीक है, मैं जाके खाऊंगा बिरयानी, बिल्कुल ठीक है, और कभी आप भी हो आपको भी खिलाता हूँ बिरयानी, ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये था हमारा वीडियो, हमें बहुत ज्यादा मजा आया, अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय पिस्टन सलामस।